साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पे एक बड़ी अपडेट जो है आप सभी को हम दे दें कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच जो है वो बंद हो रहा है। ठीक है, अब उत्तर कुंजी पे अगली सुनवाई कब होगी इसके विषय में बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चीजें कुछ थोड़ी सी सार्थक नहीं है। खैर, ये जो हॉलीडे है ये बहुत लंबी हॉलीडे नहीं है, बहुत छोटी सी हॉलीडे है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। खैर, ये छुट्टियां जो बीच बीच में आ जाती है ये थोड़ी सी समस्या खड़ी करती हैं, क्योंकि इसके पहले 10 दिन जो छुट्टी हुई थी वो थोड़ी सी समस्या खड़ी की थी और अब ये छुट्टी आ गई है। तो ये जो है थोड़ा सा उत्तर कुंजी को प्रभावित करते हैं, हमेशा हमेशा ये उत्तर कुंजी को प्रभावित करती हैं जब भी छुट्टियां होती हैं, क्योंकि छुट्टियां होती है तो केसेस बढ़ जाते हैं, जब केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर वो केसेस बाद में जो है एडिशनल वाले सुनने को मौका ही नहीं मिलता। अब किसी तरह से रोटेशन सही हुआ था, उस दिन नंबर आ गया था आपका, अब फिर से वही दो दिन के केसों के फिर से लोड बढ़ेंगे तो फिर से जो है वही फ्रेश केसेस अधिक हो जाएंगे तो एडिशनल का नंबर नहीं आ पाता, तो इसी प्रकार से समस्या है। खैर, बात कर ले हम तो कल, ये देखिए नोटिस अभी हमको जो है प्राप्त हुई है, ये देख लीजिए आप लोग, ये हाईकोर्ट लखनऊ बेंच 13/9/2020 की है। ये नोटिस है कोविड को देखते हुए, कुछ मामलों में जो है कोविड-19 की वजह से कुछ कर्मचारियों को जो है पॉजिटिव पाएंगे, जिसकी वजह से 14 को और इसके बाद 15 को 2 दिन जो है कोर्ट को बंद किया जा रहा है साफ सफाई और सैनिटाइजर के लिए जो है। इसके बाद फिर से 16 तारीख से निरंतर जो आपके कोर्ट खोलेंगे, यानी कि सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन आपके कोर्ट बंद होंगे, बाकी फिर से कोर्ट नियमित खुलेंगे। तो ये 2 दिनों में काम तो हो नहीं पाएगा, इसके बाद मंगलवार के बाद से जैसे ही कोर्ट खुलता है फिर से एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से फिर से तैयारी की जाएगी कि आपका मामला जल्द से जल्द लिस्टेड हो। खैर, अभी तक ऑर्डर हमें प्राप्त नहीं हुआ और केस स्टेटस देखने के बाद पता चलेगा कि ऑटोमेटिक डेट लग जाती, जो एक सप्ताह जज साहब ने बोला है कि उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा। जैसी भी सिचुएशन होगी अब कोर्ट खुलने के बाद क्लियर हो पाएगी। हाँ, सोचा ये गया था कि मंडे को अगर क्लियर हो जाता कल तो आगे की कार्रवाई हो जाती, लेकिन 2 दिन बंद होने की वजह से 2 दिन इसमें लेट हो रहा है। खैर, इसकी जिम्मेदार ना हम है ना आप है, ना कोई जज है ना कोई सरकार है, इसलिए आप इस पे जो है बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ये कोविड को देखते हुए ऐसा किया गया है कोर्ट को, ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन ये आ रही कि ओपन हियरिंग जैसे चीजें होने हुए तो ओपन हियरिंग के लिए जो है व्यवस्था की जा रही, हो सकता ओपन हियरिंग हो तो इसलिए साफ सफाई और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। खैर, अगली सुनवाई कब हो सकती है तो दोस्तों अब ये बुधवार को कोर्ट खुलने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि अगली सुनवाई कब होगी। खैर, पंकज सर के निगाह में और बस वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर हम एप्लीकेशन के माध्यम से डेट भी लगवा दें तो फिर से उनका वही सवाल होगा कि जो है ऑर्डर आया कि नहीं आया, तो वो पूरी तरह से ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अब ऑर्डर को क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ना आप जान सकते ना हम जान सकते ना ही हमारे अधिवक्ता जानते हैं, तो इस बसे में बस लोग आंकड़े और आंकड़े लगा रहे हैं। खैर, हम भी आंकड़ा लगा रहे हैं लेकिन आंकड़ा कुछ सही नहीं लग रहा है कि क्या उनके मन में चल रहा है, इस पे क्या निर्णय और क्या कुछ करना चाहते हैं। खैर, जो भी होगा ये समय बताएगा। खैर, जो साथी आंकड़ा ये लगा रहे हैं खारिज हो जाएगा मामला, तो दोस्तों खारिज होना होता तो मामला कब का हो गया होता, इतने देर तक जो इसको स्ट्रगल करवाना जो है ये सही बात नहीं है। स्ट्रगल करवा के फिर अचानक खारिज कर देना तो ये किसी माननीय जज साहब को ये ऐसे ऑर्डर देना बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है, तो खारिज तो नहीं होगा, इस पे ऑर्डर आना है। अब क्या ऑर्डर आएगा ये तो समय बताएगा, ठीक है, तो आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई दोस्तों, तो किसी कोई भी साथी प्लीज परेशान नहीं होगा, ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।